बोकारो के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत अरमान इंजीनियरिंग बॉडी मेकर नामक दुकान से 2,80,000 के रूप चोरी मामले में दुकान के मालिक मोहम्मद आरिफ जाफर हुसैन अकबर ने बताया कि 10 तारीख को वह इमरजेंसी काम से खड़गपुर चले गए थे। वापस लौटा तो देखा लॉकर का ताला टूटा पड़ा है और अंदर रखे 2,80,000 गायब थे, जिसकी सूचना चास थाना में दे दी गई है। हमें पूरा यकीन है कि यह चोरी हमारे दुकान में काम करने वाले 4 स्टाफ ने की है, जिसमें एक पूर्व में यहां काम करने वाला सागर नामक युवक है, वहीं मोहम्मद आजीज अंसारी, मोहम्मद रफ़ी व चक्रधर मांझी ने मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये सभी चास के ही रहने वाले हैं। अभी अभी फ़ोन से उनसे बात भी हुई, जिससे उन लोगों की बेंगलुरु में होने की पुष्टि हुई है। जाना पड़ा और ये आप लॉकर देख रहे हैं ना, इसी में मेरे गैरेज का पूरा पैसा रहता है, जो हम जरूरत के लिए सामान इस्तेमाल करने के लिए पैसा रखते हैं। 10 तारीख को हम चले गए और इन लोगों ने हमारे 4 स्टाफ, जिसमें से एक पहले काम छोड़ चुका है जिसका नाम सागर है और एक है मोहम्मद अजीज अंसारी जो मुस्लिम मोहल्ला इमामबाड़ा का रहने वाला है, बड़ा इमामबाड़ा का रहने वाला है, एक है तेलीडी का मोहम्मद रफ़ी और एक है चकद्दर मांझी जो कसी जरिया का रहने वाला है। इन चारों ने ये लॉकर तोड़ के पैसा निकाल करके उस दिन से लापता है और ये लोग अभी वहाँ क्या बोलते हैं अभी बेंगलोर में अभी पहुँचा है, शायद सुबह आज अभी पता चला है, अभी आज हम फोन भी किए हैं क्या बोलते हैं पेट्रोलिंग वाले पुलिस के कहने पे हम फोन भी किया उनको, तो पुलिस के सामने ही वो हमको धमकी दे रहा है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपको देख लेंगे और आपको बर्बाद कर देंगे और फलाना ढमाका बहुत तरह बात, तब क्या बोलते हैं इस फोन का उनके कहने पे हमने इस फोन को काट दिया। मतलब पूर्व कितने दिन से वो आपके स्टाफ काम कर रहे थे? हमारे पास 2 साल से काम कर रहे थे और ये हम वहाँ जाने के बाद ये लोग ये कांड कर करके और भाग गया। क्या इसकी सूचना आप निजी थाना को दिए? बिल्कुल, अभी निजी थाने में हम क्या बोलते हैं गए थे और लिखित वहाँ से क्या बोलते हैं लिखित दे करके आते हैं और दे करके। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अमीर जाफरी और अकरम।